व्हाट्सअप वाइवा क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। व्हाट्सअप का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कशॉप। क्या वर्कशॉप का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। वर्कशॉप इज द सेंटर ऑफ लर्निंग अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इक्विपमेंट, टूल्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल। वर्कशॉप इज ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसमें कौन कौन सा सेकेंड सेम में कौन कौन सा शॉप करता है वर्कशॉप में, आपका हाउस एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथी शॉप और प्लम्बिंग। अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे वेल्डिंग का, वेल्डिंग के क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज वेल्डिंग, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज वेल्डिंग, व्हाट इज वेल्डिंग। द वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल बाय फ्यूजन विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विथ और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल। फिर पूछ सकता है वेल्डिंग के टाइप्स पूछ सकता है, ठीक है। वेल्डिंग के टाइप्स, ठीक है, कितना टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। दो टाइप का है, ठीक है, दो टाइप का है। फोर्ज, उसी को प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं, और फ्यूजन, उसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग यानी कि फोर्ज वेल्डिंग, उसको प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, उसको प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रेशर वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग आएगा, फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग में आपका गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग फिलर मेटल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग फिलर मेटल का यूज करते हैं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग में फिलर मेटल का यूज करते हैं। फिर पूछ सकता है आपको इक्विपमेंट, गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर्स, प्रेशर गैज, चौथा होसेस, पांचवा वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग फ्लेम। फ्लेम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, गैस वेल्डिंग में फ्लेम के बारे में पूछ सकता है। व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ फ्लेम इन गैस वेल्डिंग, ठीक है। गैस वेल्डिंग में जो तीन टाइप का फ्लेम है कौन कौन सा है। पहला न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीसरा कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम क्या है, न्यूट्रल फ्लेम क्या है, न्यूट्रल फ्लेम उसके और उसका एप्लीकेशंस पूछ सकता है। व्हाट इज न्यूट्रल फ्लेम एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। द न्यूट्रल फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस आर यूज्ड। न्यूट्रल फ्लेम में
इक्वल क्वांटिटी में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को यूज़ करते हैं तो हम लोग न्यूट्रल फ्लेम बनता है। ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज फॉर वेल्डिंग स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाते हैं और उसका एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा रहता है एसिटिलीन की अपेक्षा। ठीक है, उसी को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग ब्रास, ब्रॉन्ज, मैंगनीज एंड स्टील। कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस एंड इट्स एप्लीकेशंस। कार्बोराइजिंग फ्लेम कैसे बनाते हैं या कैसे प्रोड्यूस होते हैं, है ना, पूछ सकते हैं। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम जब एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है ऑक्सीजन से एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाती है। और इसका एप्लीकेशन के कार्बोराइजिंग फ्लेम में यूज फॉर वेल्डिंग स्टील, एलॉय स्टील, नॉन फेरस मेटल, निकेल एंड मोनल मेटल। कौन से नाम से जाना जाता है गैस वेल्डिंग को, हम लोग कौन कौन से नाम से जाना जाता है, ऑक्सी वेल्डिंग, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी पूछ सकता है आपको जॉइंट, कौन कौन सा इसमें जॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट पूछता है कभी कभी, क्या पूछता है, टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो इसमें आएगा बट जॉइंट, लैब जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, फ्लैंज जॉइंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनर कोन का कलर कैसे होता है, पर्पलिश थिंग। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम में हॉटेस्ट फ्लेम कौन सी फ्लेम है। ठीक है, तीन फ्लेम जो है उसमें से हॉटेस्ट कौन सी फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपका हॉटेस्ट फ्लेम। व्हाट आर दी टेक्निक यूज इन डिफ्यूजन वेल्डिंग, क्या क्या टेक्निक है डिफ्यूजन वेल्डिंग का टेक्निक है, हॉट प्रेशर टेक्निक, गैस प्रेशर टेक्निक, वैक्यूम फर्नेस टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज थर्मिट वेल्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन एंड गिव्स इट्स एप्लीकेशन ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। थर्मेट स्टील इज मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर कितना रहता है, 1:3।
थ्री। और इसका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसका। थर्मेट वेल्डिंग इज यूज फॉर जॉइनिंग हैवी पार्ट्स, रेल पाइप्स, शाफ्ट्स, केबल एंड वार्म आउट मशीन फ्रेम। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, रिवर्स डायरेक्शन में पूछता है, आपको पूछ देगा स्पॉट वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग, प्रेशर या नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग आपका प्रेशर वेल्डिंग। रिवर्स में ब्लैक स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है, ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग। टीआईजी कौन सा वेल्डिंग है, टीआईजी वेल्डिंग आपका टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है आपका नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, ठीक है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। रिवर्स में पूछ देता है करके, इनर्ट गैस वेल्डिंग बोले कौन सा वेल्डिंग है, इनर्ट गैस वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है, ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग, है ना, इस तरह से पूछेगा। या पूछ देगा आपका रेजिस्टेंस है, फ्रैक्शन वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग, रिवर्स में पूछ देता है क्वेश्चन।